नमस्कार, अंडमान लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए एक नजर डाल लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ अहम खबरों पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल जगदीश मुखी ने 1 जनवरी 2017 से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्रियान्वित की जाने वाली नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया। कल पोर्ट ब्लेयर के मेगा पोर्ट नेस्ट के सम्मेलन कक्ष में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि विद्यमान नीति के स्थान पर नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने द्वीप में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है, लेकिन युवाओं के बीच शराबखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने और नागरिकों के व्यापक हित में शराब की खपत को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उपराज्यपाल ने खुलासा किया कि नई नीति के मुताबिक शराब की बोतलों की खरीद की मात्रा में 50% की कटौती की गई है। एक व्यक्ति एक समय पे 750 मिलीलीटर वाली शराब की 2 बोतल ही खरीद सकता है, जबकि पहले एक व्यक्ति 4 बोतल की खरीद कर सकता था। उन्होंने कहा कि अनिटको की शराब की दुकान या वाइन शॉप से शराब के दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों में शराब के दरों के समान दामों पर यहाँ शराब उपलब्ध होगी। चुंगी तथा आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी के द्वारा विद्यमान दरों में अनुमानित 20% से 25% तक की वृद्धि की जाएगी। नई चुंगी और आबकारी दरों में भी इसके मुताबिक बढ़ोतरी होगी। उपराज्यपाल ने आगे ये घोषणा की कि नई नीति के मुताबिक बार और शराबखानों के समय में फेरबदल भी किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि शराब की खपत को रोकने के लिए कई धार्मिक दिवसों पर सभी अवकाशों में मद्य निषेध दिवस भी घोषित किया जाएगा। महात्मा गांधी जी का संदेश, आप लोगों का आदेश और संविधान का निर्देश, तीनों ही मुझे ये कहते हैं कि मैं प्रतिबंध लगाऊं, किंतु फिर भी मैंने घोषणा की थी हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। याद होगा आपको, हां, हम संविधान की जो मूल भावना है, जो संविधान ने हमारे से आशा की है कि हर राज्य के अंदर सरकारें ऐसे कदम उठाएं, भरसक कदम उठाएं कि शराब के कंजम्पशन को वहां पर कम किया जाए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ घोषणाएं करेंगे एक्साइज पॉलिसी पर, जो कि 1 जनवरी से। उधर पोर्ट ब्लेयर शहर के तहसीलदार के दफ्तर में आम लोगों की सुविधा के लिए एक ई कॉर्नर की स्थापना की गई है, जिसमें सैकड़ों लोग हर दिन पहुंचते हैं अपने छोटे बड़े काम को करवाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि ई कॉर्नर के ठीक सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों को बेपरवाह तरीके से पार्क कर दिया जाता है, जिससे आम लोगों को इस ई कॉर्नर के अंदर घुसने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि बीमार लोगों को भी ई कॉर्नर में जाने में काफ़ी परेशानी होती है। नेशनल लाइव ने जब इस बारे में पोर्ट ब्लेयर के तहसीलदार को संपर्क करने की कोशिश की तो वो उपलब्ध नहीं मिले। लोगों की शिकायत के बाद जब नेशनल लाइव की टीम मौके पर पहुंची तो यह देखा कि 3 बड़े बड़े ट्रकों को ठीक ई कॉर्नर के सामने ही पार्क किया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी
हो रही थी। भी 3 दिन से आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है इधर घुसने के लिए। गाड़ी लगता है चारों तरफ, सिर में लगता है इसका वो कैंडल सब। पर्टिकुलर जगह में इसको खड़ा करना चाहिए, पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जी यहाँ में बहुत सारा लोहिया है जो इससे हम लोग आने जाने के बहुत तकलीफ होता है। ये सबका ये सब लोहिया सब जल्द से जल्द हटाए से हम सबकी सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी। हमको तकलीफ है इधर रोड देखो, ऊपर ये सब गाड़ी लगा हुआ, ऊपर जाने के लिए नहीं होता। हम किडनी पेशेंट आए, हम किडनी पेशेंट एडमिशन से ये कहना है कि इधर जो गाड़ियाँ सब लगा है निकाल के इसको ठीक से जाने आने के लिए रास्ता। उधर अबरडीन पुलिस ने 24 नवंबर को मध्य रात्रि भारतीय स्टेट बैंक की इवनिंग ब्रांच में हुई चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया है। इसके साथ ही मामले में संलिप्त 3 चोर 23 वर्षीय स्वरूप मंडल, 24 वर्षीय शुभम व्यापारी और 22 वर्षीय दीपांकर मंडल को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि तीनों ही चोर पत्रापुर के निवासी हैं। इनके पास से बैंक से चोरी किए गए एक ब्रीफकेस को भी बरामद किया गया है। इन चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बैंक से चुराए गए इस ब्रीफकेस को प्रात्रापुर में नगरपालिका परिषद कार्यालय के पास स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया था। इस ब्रीफकेस में बैंक की 80 वेलकम किट, चेकबुक, बड़ी संख्या में नेट बैंकिंग किट और 100 से अधिक एटीएम के पिन नंबर शामिल थे। गौरतलब है कि अबरडीन पुलिस थाने में भारतीय स्टेट बैंक की इवनिंग ब्रांच के प्रबंधक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के तहत बैंक में 14 नवंबर की रात चोरी होने के मामले को दर्ज करवाया था, जिसके बाद से पुलिस मामले की तहकीकात में सक्रिय रूप से लगी थी, जिसका नतीजा यह रहा है कि पुलिस को चोरी में शामिल 3 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। मामले को सुलझाने के लिए अबरडीन थानाध्यक्ष महेश यादव के नेतृत्व में एक विशेष जाँच दल बनाया गया था, जिसकी निगरानी दक्षिण अंडमान के SDPO निशांत गुप्त की निगरानी के द्वारा की गई। बुधवार को पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर B.R. अंबेडकर सभागार में मुद्रा ऋण वितरण और सौर चरखा निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वीपों के दौरे पर आए भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने करीब 11 महिलाओं में को मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता का वितरण किया, जबकि उपराज्यपाल जगदीश मुखी कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में सांसद श्री विष्णुपद राय, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री ब्री ईश्वर राव, भाजपा के राज्य अध्यक्ष श्री विशाल ज्वाली तथा जानी मानी समाज सेविका प्रीतम कुमारी नंदा उपस्थित रहीं। इस मौके पर मंत्री ने करीब 6 महिलाओं में ई रिक्शा की चाबी का वितरण किया। भारतीय माइक्रो क्रेडिट BMC पोर्ट ब्लेयर के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारे राष्ट्र को प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है और महिलाओं की संवेदनशीलता को स्वीकार किया और परिणाम की चिंता बिना भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन की पहल की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और कालेधन को रोकने के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने की दिशा में कठोर कदम उठाया है और पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री की इस पहल की प्रशंसा कर रहा है। मैं अभी सोलर चरखा पर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं ज्यादा बोल रहा हूं कि आधे घंटे के समय लगेंगे, इसे करके दिखाऊंगा इस द्वीप में कि कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़े कम समय में इन्होंने जो कार्यक्रम अख्तियार किया वो एक ऐसा कार्यक्रम अख्तियार किया है कि लोगों को रोजगार परक कार्यक्रम किया है। और जब मैं 3 दिन के बाद जब यहां से लौटूंगा तो निश्चित रूप से इस अंडमान निकोबार के लिए कोई ना कोई मॉडल रूप बना करके ही आज सोलर चरखे के बारे में और जो ई रिक्शा के बारे में जिनका भी वितरण किया जाएगा मैं स्वागत करता हूं। दोनों ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो
पॉल्यूशन फ्री है, गरीबों के लिए है, गरीब की इनकम बढ़ाने के लिए उठाए गए ऐसे कदम हैं जिनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। यहां आने के पास जो मैंने अध्ययन किया, बहुत अच्छी प्रथाएं हैं इस द्वीप समूह के अंदर। सबसे पहला, इस द्वीप समूह में उतरते ही जो राष्ट्र प्यार, राष्ट्र प्रेम की भावना का जो सीधा साधा एक जीता जागता प्रमाण के रूप में सेल्डोर जेल है, जाने पर आपको आभास होगा कि किस प्रकार के। उधर डिगलीपुर विकास मेला 14 जनवरी से 21 जनवरी 2017 तक डिगलीपुर के विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। अब तक की खबर के अनुसार इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। मेले का उद्घाटन 14 जनवरी की शाम 5 बजे होगा। ये मेला अंडमान निकोबार प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इससे पहले ये मेला 7 जनवरी से शुरू होने वाला था, जिसे प्रशासनिक कारणों से बदलकर 14 जनवरी कर दिया गया। भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु एवं मझोले उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने आज अंडमान निकोबार के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। गिरिराज सिंह को सुनने के लिए भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जौली ने गिरिराज सिंह का स्वागत भी किया। माननीय गिरिराज सिंह जी अंडमान में तो नहीं आए, लेकिन यहाँ के लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं टीवी के माध्यम से। वे प्रखर वक्ता और काफी प्रभावी जननेता हैं, और हम सबका इच्छा था कि उनको करीब से देखना, करीब से मिलना, करीब से सुनना। एक चीज मैं जो कल से देखा हूँ, एयरपोर्ट पहुंचते ही वहां से अपने मंत्रालय से संबंधित अंडमान में क्या हो सकता है, वो एयरपोर्ट से ही जो है अपना काम शुरू कर दिए हैं। और अभी भी थोड़ा देर इसलिए हुआ कि यहाँ के लिए क्या इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री लग सकता है, यहाँ के युवाओं को किस तरह से काम मिल सकता है, उनके लिए निरंतर प्रयासरत है। और आज 9 बजे डिनर के बाद भी एक मीटिंग रखे हैं। तो ये मोदी सरकार जिस तरह से लोगों के लिए चिंतित है, गरीबों के लिए, उनके सभी मंत्री उसी दिशा में कितना मेहनत करते हैं और किस तरह से उनके मन में ललक है, ये चीजों को दर्शाता है। सुभाष चंद्र बोस की भूमि, ये भूमि वीर सावरकर की भूमि, ये भूमि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, ये भूमि हमारे उन पूर्वजों की भूमि है जिन्हें काला पानी कह करके यहाँ छोड़ा गया। एक ग्रीन बियर पोर्टल का लॉन्च किया, उसमें ऐसी साहब ने कहा कि ये भूमि एक और माने में बड़ा, मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा, चेयरपर्सन से कहूँगा, अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी से, ये भूमि एक ऐसा भूमि है जो सेकुलरिज्म का जीता जागता। तो अंडमान लाइव के इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अंडमान की खबरें आप फिर से देख सकते हैं रात 10:30 बजे सिर्फ नेशन लाइव पर। नमस्कार।